प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर गुवाहाटी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में एम्स और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री असम में कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 26 मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुवाहाटी एम्स की आधारशिला रखी थी। 5 साल बाद यह 1,120 करोड़ रुपए की लागत से 6 साल के अंदर बनकर तैयार हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स है। इसके अलावा पीएम ने नलबाड़ी, नागांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सुरसजाई स्टेडियम में बिहू के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में 31 जिलों के 10,000 से अधिक कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस प्रोग्राम के जरिए असम के लोक नृत्य बिहू को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास होगा। पीएम ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहू पर लोगों के बीच होना मेरे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का बिहू का त्यौहार खास होने वाला है, क्योंकि 14 अप्रैल को असम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में पीएम गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनियम जुबली समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम असम कॉप मोबाइल का शुभारंभ करेंगे। यह ऐप असम पुलिस ने डिजाइन किया है, जो क्राइम पर कंट्रोल करने और अपराधियों पर नजर रखने में मददगार होगा। मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने के लिए बन रहे पुल का शिलान्यास भी करेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ।